किरण मंडल और टीपीएस रावत, उत्तराखंड की सियासत के ये दो चेहरे। किरण मंडल, जिन्होंने विजय बोगड़ा के लिए अपनी सीट छोड़ी सितारगंज से। राजनीतिक गलियारों में किरण मंडल का हश्र क्या हुआ उसके बाद, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। टीपीएस रावत, जिन्होंने भुवन चंद खंडूरी के लिए सीट छोड़ी, टीपीएस रावत गुम हो गए। अब सवाल यह कि क्या वाकई धामी के लिए टीपीएस और किरण मंडल के बाद कोई तीसरा चेहरा इस लिस्ट में शुमार होने के लिए तैयार है? अगर है तो वो कौन सा चेहरा है जो धामी के लिए अपनी राजनीतिक कुर्बानी देगा? राजनीतिक कुर्बानी, मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं इसका उत्तर मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में एक चर्चा आम है कि सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने वाले विधायक का चयन कर लिया गया है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस पर मोहर लगाना जल्दबाजी होगा। इसके पीछे एक आधार है, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सीएम धामी के लिए क्या कोई वाकई कांग्रेस का विधायक, और वो भी कुमाऊं मंडल से, सीट छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और अगर हां तो ये खबरें इतनी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल क्यों की जा रही है? क्यों? किरण मंडल का उदाहरण लीजिए। जब किरण मंडल को तलाशा गया था, तलाश की गई थी बोगड़ा के लिए, क्योंकि 6 महीने में चुनाव जीतना था और विजय बोगड़ा के लिए सीट कौन खाली करेगा, यह एक सवाल बना हुआ था। और जहां तक मुझे याद है तो उसमें दो किरदारों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, दो चेहरे। एक तिलक राज बेहड़, जो कि कांग्रेस के उधम सिंह नगर के बड़े चेहरे हैं और आज विधायक बन चुके हैं किच्छा से, और दूसरा चेहरा था सुबोध उनियाल का। पर्दे के पीछे सुबोध उनियाल और तिलक राज बेहड़, और उसके बाद नारायण पाल का नाम भी सामने आया। इन्होंने भूमिका बांधी और किरण मंडल ने विधायकी से इस्तीफा दिया, बीजेपी के चेहरे थे, और विजय बोगड़ा के लिए सीट छोड़ दी गुपचुप तरीके से, बिल्कुल साइलेंट होकर। और फिर उसके बाद किरण मंडल कहां है, यह इतिहास है। और इसके साथ साथ जब टीपीएस रावत ने भुवन चंद खंडूरी के लिए ऐसे ही सीट छोड़ी थी, तब उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जब हुआ तब भी टीपीएस रावत ने जब सीट छोड़ी थी तब भी किसी को भनक नहीं थी। तो फिर आखिरकार वो कांग्रेस का चेहरा यह बताकर कि मैं धामी के लिए सीट छोड़ रहा हूं, और सोशल मीडिया पर वो बातें वायरल हो रही है और जिक्र किया जा रहा है कुमाऊं से। और कुमाऊं का लॉजिक भी समझ लीजिए, कुमाऊं का लॉजिक सीधे तौर पर यह है कि गढ़वाल से कितने विधायक कांग्रेस के चुन के आए, लगभग तीन विधायक। एक प्रीतम सिंह, जो कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे चकराता से। एक बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी, जो खुद खिलाड़ी भी हैं और सियासत के खिलाड़ी भी हैं। और तीसरा नाम ममता राकेश का, हरिद्वार से। तो ये वो चेहरे गढ़वाल से जो कांग्रेस के चेहरे जीत कर आए, और बाकी चेहरे कुमाऊं से ही हैं। तो फिर कुमाऊं से ऐसा कौन सा चेहरा सीएम धामी को मिल गया जो उनके लिए अपनी राजनीतिक बलि देने के लिए तैयार है? राजनीतिक बलि इसलिए क्योंकि किरण मंडल का हश्र उसके बाद किसी से छिपा नहीं, सितारगंज की आवाम ने ही उन्हें कबूल नहीं किया। टीपीएस रावत राजनीति के चमकते हुए सितारे बने, लेकिन उसके बाद गुम हो गए। तो फिर ऐसा कौन सा नेता होगा, विधायक होगा, जो कुर्बानी देगा? और जो कुर्बानी देगा वो बता के क्यों देगा? अब यह सवाल खड़ा हुआ है कि उत्तराखंड की सियासत में धामी के लिए क्या वाकई कोई नया धामी मिल गया है? नया धामी, मेरे इस शब्द को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द आने वाली सियासत होगी। धामी को कोई धामी मिल गया जिसका जिक्र किया जा रहा है? उत्तराखंड में कब क्या होगा, कैसे होगा, यह कोई नहीं जानता। अब ऐसी परिस्थितियों में माना यही जा रहा है कि जब धामी के नाम का ऐलान किया तब उससे पहले ही यह तय हो गया था कि प्लान ए, बी और सी क्या होगा, धामी के लिए कौन कौन से विधायक सीट छोड़ेंगे, कितना जीत का मार्जिन रखना है, क्या टारगेट होगा, किन्हें जिम्मेदारी दी गई है, यह सब कुछ तय हो चुका है। अब ऐसे में वक्त का इंतजार यह है, क्योंकि सदन के भीतर और बाहर चर्चा आम है कि कांग्रेस का एक विधायक कुमाऊं से सीट छोड़ने के लिए तैयार है।
अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में अभी सियासी पिक्चर बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।